गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का वंस अगेन वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। ये तीसरा वीडियो है जिसमें न्यायाधिकरण की प्रमुख विशेषता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जितनी भी खास बातें हैं आज हम लोग वो देखेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स को ही लिखा है, इसको डील नहीं किया है। मैं उसको आपको बताऊंगी और इसको आपको अपने भाषा में अपने कॉपी में नोट करना है। लेकिन नोट करने के पहले आपको मेरा वीडियो अच्छे से सुनना है। एक बार में अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बार बार सुने और उसके बाद आपको अपनी बुक को एक नहीं कम से कम 4 से 5 बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको इसको अच्छे से अपने भाषा में लिखना है। सबसे पहले स्थापना कौन करता है? केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही करती है और कानून के प्रावधानों के अंतर्गत ही करती है प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना। उसके बाद अर्ध न्यायिक कार्य, इनके काम जो है न्यायिक नहीं होते हैं, अर्ध न्यायिक होते हैं। पहले के जो दो वीडियो है उसमें मैंने बहुत बार ये बता दिया है कि ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है और इनके फंक्शन भी क्वासी जुडिशियल ही होते हैं। उसको देखिएगा आप लोग उस दोनों वीडियो को और उसको समझिएगा, उसके बाद फिर से इस वीडियो को आप सुनिएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे है कि इनकी कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही ही माना जाता है। फोर्थ नंबर में है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और एविडेंस एक्ट 1872 के जितने भी प्रोविजन है उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बाउंड नहीं होते हैं, यानी साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान और सिविल प्रक्रिया संहिता के जो प्रावधान है ये बाध्य नहीं कर सकते हैं प्रशासनिक न्यायाधिकरण को। उसके बाद पांच नंबर में है गवाहों की उपस्थिति की बाध्यता। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक ऐसी बॉडी होती है जो किसी भी मामले को लेकर के किसी संबंधित पक्षकार को जबरदस्ती कोर्ट बुला सकती है। जबरदस्ती का मतलब यहाँ पर बाध्य करना ही है, पक्षकार अगर नहीं आना चाहे अपने मर्जी के हैं तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल उनको बाउंड कर सकती है, उनकी उनको आना ही पड़ेगा गवाही के दौरान। छह नंबर में है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना। अब जब सिविल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट के प्रोविजन यहाँ पर बाउंड नहीं करते हैं तो फिर ये कौन से प्रोसीजर को अपनाती है? सिंपल सी बात है, यहाँ बताया जा रहा है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है। नेचुरल जस्टिस के दो रूल हैं, उन्हीं को इनको फॉलो करके चलना पड़ता है। इसके बाद सेवन नंबर में है प्रशासनिक हस्तक्षेप का नहीं होना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये जरूर है लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये अपने मामले में कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद आठ नंबर है विशेष मामलों के लिए विशेषज्ञों का शामिल होना। जो हमारे जनरल सिविल कोर्ट्स होते हैं वहां पर सारे मामले जज या मजिस्ट्रेट ही देखा करते हैं, उनके लिए उन्हें कोई स्पेशली एक्सपर्ट बुलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये लोग कोई ऐसे मामले आ गए जहां पर इनको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ेगी तो ये हर मामले के लिए रिलेटेड एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं, ये एक सुविधा वाली बात है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। उसके बाद नौ नंबर में है कि यदि कोई कानूनी प्रावधान नहीं है तो न्यायाधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा स्वयं नहीं कर सकता। वैसे तो ये प्रावधान दिया गया है कि ट्रिब्यूनल जो है अपने जजमेंट को खुद से रिव्यू करके उसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कानूनी प्रावधान नहीं दिया गया है जहां पर ये बात लिखी नहीं गई है कहीं पर भी कि ये अपने निर्णय को खुद से समीक्षा करके सुधार कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर कानूनी प्रावधान मौजूद है कि ये अपने निर्णय को स्वयं सुधार सकते हैं तो ये बिल्कुल सुधार सकते हैं। ये कुछ 9 पॉइंट्स हैं जिनमें ये खास विशेषता यहाँ पे ट्रिब्यूनल की बताई गई है। ये आपका मेन्स का क्वेश्चन भी है, प्री का भी है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से बुक से पढ़िएगा, मेरे वीडियो को एक नहीं बार बार सुनिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया है तो अनलाइक कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नहीं बनना चाहते हैं तो कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरा ये कि अब वैकेंसी आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2 से 3 महीने का वक्त है आप लोगों के पास में, तो आप जितनी जल्दी हो सके जो यहाँ जो बिहार को क्वालिफाई करने वाले पेपर हैं उसको तैयार कर लीजिए। मेरा आप लोगों को यही सलाह रहेगी, मन लगा के पढ़िए,
बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलूंगी। टेक केयर एंड गुड लक।